बीजेपी अगर प्रत्याशी बदल दे रही है तब कुछ भी बदल दे, वो कुछ भी कर ले, यहाँ से खुद मोदी जी आके लड़े फिर भी चुनाव नहीं जीते। रोहिणी दीदी के सामने कोई टक्कर देने वाला नरेंद्र मोदी भी नहीं जी। वो क्या किए हैं देश में सर? मोदी जी का तो काम है, वो अपना प्रचार करेंगे, लेकिन उनके प्रचार का सारण लोकसभा क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ेगा। रोहिणी आचार्य जी बहुत अच्छे मार्जिन। कितने वोट से जिताइएगा? लगभग 5 लाख। 5 लाख वोट से रोहिणी दीदी यहाँ से 5 लाख वोट से जीतेगी। 5 लाख वोट से जीतेंगे, नरेंद्र मोदी को भी हरा देंगे। यहाँ मोदी जी भी लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। नहीं, जो अपना बाप को किडनी दिया, जो अपना त्याग किया, उसको तो जिताना उचित है। लालू जी का बेटी के वोट देंगे। वैसा जिगर का आदमी मैंने उस देश को, उस बेटी पर गर्व है, मैंने हमको और आपको नहीं, मिसाल पेश की, देश को गर्व है। पापा को जब किडनी दिया तो हम लोग के लिए क्यों नहीं करेगी, इसलिए वो नेता एक नंबर रहेगा। हम लोग अब जी जान से उनका। रोहिणी दीदी से अभी मिले हैं? मिले नहीं है, बाकी बहुत जानते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया पे देखिए एक्टिव रहती है दीदी। हम लोग के साथ बहुत गद्दारी किया। क्या क्या गद्दारी? प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज नहीं दे रहा है, अनाज का बात नहीं है। रानी प्रसाद रूढ़ी अभी तक हमारे पास जीत के जाते हैं, अब बहुत कम यहाँ आते हैं। केवल मंदिर बना देना, उस पर वोट ले लेना इनका काम है। बेरोजगारी आज तक बताइए, कोई भी नौजवान से पूछ लीजिए कि को वैकेंसी अपना निकाले हैं। हम नहीं कर रहे हैं सर, पूरे दलित, महादलित, अति पिछड़ा, ईबीसी, सब गरीब उन्हीं के साथ जा रहे हैं। जी मॉल बन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल मॉल बन रहा है। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। लोकसभा की डुगडुगी बज चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल अपने प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल करने लगा है। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी परसा विधानसभा के टरवा के इलाके में है। ये इलाका जो है वो सारण लोकसभा यानी छपरा लोकसभा में पड़ता है। ये वही लोकसभा है जहां पर पहली बार लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 1977 का जो चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा के सदस्य लालू प्रसाद यादव इसी लोकसभा से जीतकर गए थे। ये लोकसभा उनके लिए लकी भी है। पिछले बार यहां से लालू प्रसाद यादव के समधी जो है चंद्रिका राय वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इस बार लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य को टिकट दे रहे हैं, इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है। रोहिणी आचार्य वो बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपना किडनी दिया। रोहिणी आचार्य को हम ये तो नहीं कहेंगे गिफ्ट दिया जा रहा है, पिता की तरफ से दिया हुआ कोई भी चीज गिफ्ट नहीं होता है, लेकिन रोहिणी आचार्य के नाम पर मुहर लगा है। जनता इस पर क्या सोचती है, सोनपुर की जनता क्या सोचती है, मतलब सोनपुर के कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग जातियों से है, अति पिछड़ा समाज से है, यादव जाति से है और अनुसूचित जाति से भी। हम सभी लोगों से बात करेंगे एक एक करके रोहिणी आचार पर, और यहाँ के सिटिंग सांसद जो है राजीव प्रताप रूढ़ी पर भी हम बात करेंगे। पहले भाई साहब से जुड़ते हैं, क्या नाम हुआ आपका? इंजीनियर जोगेंद्र प्रसाद। इंजीनियर जोगेंद्र प्रसाद, जाति बताइए पहले। यादव जाति से हम आते हैं। अच्छा, आप तो यादव है तो आप तो रेडियो को वोट देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सिद्धांत के तहत चलते हैं। अच्छा। हम लोग का कौम पहले से ही सोशलिस्ट माइंडेड है। सोशलिस्ट माइंडेड है। सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग शुरू से ही आज तक लड़ते आ रहे हैं। न्याय बोल रहे हैं, मतलब लालू जी के विचारधारा से आप सहमत हैं। बेटी के बारे में क्या कहना है रोहिणी आचार्य? देखिए इतनी बहादुर बेटी है जिसने किडनी अपना दान किया, जो साधारण बात नहीं है, हिम्मत साधारण हिम्मत की बात नहीं है। उन्होंने अपने पिता को लाइफ दिया है जिसके तहत उन्होंने सामाजिक लड़ाई 1990 से शुरू जो किया था, उसमें सभी जातों को जो बोल नहीं सकते थे, चौक चौराहा पर बैठ नहीं सकते थे, उनको भी आवाज देने का काम किया। पहले हम लोग देखते थे कि कैबिनेट का ही यहाँ गठन हुआ करता था तो एक बैकवर्ड से, एक हरिजन से, एक आदिवासी से उसमें मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 90 के बाद जब लालू प्रसाद जी ने आए तो सामाजिक न्याय सभी जातियों को जगाने का काम किया। रोहिणी आचार सामाजिक न्याय समझती हैं, विदेश में रहती हैं, इतना आगे का जीवन देखी हैं, पटना बिहार से बहुत बाहर का जीवन देखी हैं, सामाजिक न्याय समझ पाएंगी? देखिए हम लोग यह जानते हैं कि लालू जी के द्वारा जैसे तेजस्वी जी हैं, चाहे रोहिणी जी हैं, मीसा ही हैं, तो उन लोगों ने सीखा है अपने परिवार से, अपने माता पिता से कि हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि लालू जी ने डोम जाति हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे कोई भी हो, छोटी छोटी जातियों को मोहल्ला में जा करके बच्चों को नहलाने का, केस कटाने का काम उन्होंने ही शुरू किया था। चलिए हमारा चाचा मोहनी जी यहाँ से जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
कि उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, हम लोग का उसके साथ हमदर्दी है कि उन्होंने बहुत बहादुर बेटी है, देना है बहादुर बेटी को वोट देना, हाँ वोट देना है सारे लोगों से। हम लोग इनसे ही बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारे भूतपूर्व सैनिक है, हवलदार भरत राय नाम है। अच्छा, आप सैनिक है भूतपूर्व? हाँ सर। क्या यही इसी इलाका से है? इसी इलाका से है, टरों मरपाल के पास। रोहिणी आचार्य को जानते हैं? सुने हैं, जानते नहीं है, देखे नहीं है। इतना हम जानते हैं कि लालू प्रसाद के बेटी है। यहाँ तो चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो उनको वोट दिया जाएगा जो बच्चे से, जो अपना बाप को किडनी दिया, जो अपना त्याग किया, उसको तो जिताना उचित है, हैं? उसको जिताना उचित है। तो रोहिणी जी के एक बार हम लोग वोट देकर आगे बढ़ाएं। राजीव प्रताप रूढ़ी से खुश नहीं है आप लोग? राजीव प्रसाद रूढ़ी अभी तक हमारे पास जीत के जाते हैं, अब बहुत कम यहाँ आते हैं, किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। ये हैं जैसे यहाँ के विधायक हैं, वो आके बैठते हैं, किसी किसी से पूछते हैं। जैसे अभी रोहिणी आचार्य को क्या आशीर्वाद देगी सारण की जनता? हाँ जरूर देगी, देगी आशीर्वाद, एकदम आशीर्वाद देंगे, देंगे अभी दीजिएगा। हाँ चलिए ठीक है, ये भी आशीर्वाद, हम इनसे भी जुड़ते हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। नाम बताइए। मुकेश कुमार। मुकेश कुमार किस जाति से हैं? यादव से। या सब लोग यहाँ यादव हैं? मैं हरेक जाति से। हरेक जाति से ठीक है। तो लालू यादव को वोट देते होंगे? हाँ। रोहिणी आचार्य को जानते हैं? हाँ। कौन है रोहिणी आचार्य? लालू यादव की बेटी। बेटी है। लालू यादव को उन्होंने अपना किडनी दिया था, पता है आपको? किडनी दिया। चुनाव लड़ने का चर्चा है इस क्षेत्र से? वोट मिलवे कर, हरेक जाति में वोट है यहाँ। वोट है हरेक जाति में। रोहिणी आचार्य के बारे में क्या बोलना है? अच्छे देखे है कभी? हाँ देखे है, भेंट करके आए। अच्छा भेंट भी किए हैं? कैसा लगा भेंट करके? अच्छा। सांसद बन जाएंगे यहाँ से फिर भेंट करेंगे? बिल्कुल बनेंगे, अब भेंटो करेंगे, भेंट करेंगे। हाँ। उनसे बात करते हैं, इधर आइए। आप जरा सा नाम बताइए, आप भाग क्यों रहे थे? अभी तो बैठिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए नाम बताइए। बसंती बैठा। बसंती बैठा। हाँ। क्या लग रहा है इस बार दलित समाज जो लालू यादव से कभी टूट गया था, इस बार जुड़ेगा? जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा। मोदी जी ठीक नहीं है? नहीं लगते हैं ठीक। आपके सांसद कौन है? राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी। मिलते हैं आप लोग से? नहीं नहीं मिलते हैं। रोहिणी आचार्य का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। कौन है रोहिणी आचार्य? लालू यादव की बच्ची है, बेटी है। देखिए सारण में एक बात तो है कि भाई रोहिणी आचार्य को लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, बेटी है, चुनाव लड़ने की चर्चा है। हाँ। वोट दीजिएगा। हाँ। वोट करना है? हाँ, देना है। लालू यादव को मिले हैं कि नहीं आप लोग? मिले हैं कई एक बार। कई एक बार मिले? कई एक बार मिले हैं। अब उनकी बेटी यहाँ पर आ रही है, लालू यादव को तो आप लोग जिता चुके हैं दो बार, तीन बार जीता है। देखिए बिहार में बैठा हो जाए कोई, पता होता है कितने बार लालू यादव जीते हैं, तीन बार जीते हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में क्या कहना है? फिर जिताना है उनको? जिताना है जी। पक्का? पक्का। आप जानते हैं रोहिणी आचार्य को? हाँ। कौन है? लालू यादव जी की बेटी है। लालू यादव की बेटी है। चलिए ठीक है, अब बताइए कि इस बार नाम बताइए ना पहले। राम विलास कुमार महतो। महतो है आप, ठीक है। क्या लग रहा है, पिछड़ा जाति, पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति, इस बार लालू जी से जुड़ेगा? हाँ जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। रोहिणी आचार्य के बारे में क्या बोलना है? वो लालू यादव की बेटी है, जो अपने पापा को जन्म बचाया, इससे समाज को ऊपर मन बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो समाज के लिए काम करेगी। करेंगे आप लोग? हाँ। राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में क्या बोलना है? वो तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ। देखे नहीं? नहीं। आपने वोट दिया था पिछले बार? नहीं। इस बार वोट दीजिएगा? हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ फर्स्ट टाइम। आप इधर आ बैठिए, आप बैठिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ। पहली बार इस बार वोट करने जा रहे हैं 2024 में? हाँ। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलना है? वो तो माने कि देश द्रोह है। अब राष्ट्रवाद की बात होती है, आप क्या सब इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या देश को बेच दिया तो क्या कहेंगे, देश द्रोह ना कहेंगे उसको? रोहिणी आचार्य के बारे में बोलिए, आप युवा हैं, वो भी युवा हैं, आने वाला वो नरेंद्र मोदी युवा नहीं है, वो तो माने कि 70 साल 72 साल 75 साल। नीतीश जी भी तो 70-72 पार कर गए हैं, तो उनको भी जान मारना चाहिए। नीतीश जी को तो दिमाग सटक गया, सटक गया। रोहिणी आचार्य को इस बार वोट दे रही है? हाँ। रोहिणी आचार्य को वोट कर रहे हैं? हाँ हाँ, हम लोग पूरा दम जी जान से करना है उनको, अब दम एमपी में जिता के। दिल्ली लालू जी का गढ़ है क्या? बड़ा बड़ा प्रसन्न। हाँ हाँ, हाँ यहाँ पे तो लालू जी का ही छपरा गढ़ है, यहीं से उनका शुरुआते हुआ है, सोनपुर से। पिछला बार क्यों हार गया आरजेडी वहाँ पर? यहाँ पे हारने का कुछ कारण हो गया कि अति पिछड़ा जो समाज था वो थोड़ा टूट गया था। अति पिछड़ा से इस बार क्या? इस बार पूरा अति पिछड़ा को हम लोग लेके चल रहे हैं। विद्याभूषण प्रसाद अति पिछड़ा से? नहीं यादव से हैं। यादव से? हाँ। पिछड़ा जुड़ेगा? हाँ हाँ, दम हम लोग लेके चलेंगे, दम मान सम्मान के साथ उनको ले चलना है। फिर आपको जोड़कर हम लोग को सरकार बनाना है और बीजेपी को देश से भगाना है, इसलिए कि बहुत
यहाँ बेरोजगारी तो सबसे एक नंबर है, ये केवल मंदिर बना देना उस पर वोट ले लेना इनका काम है। बेरोजगारी आज तक बताइए कोई भी नौजवान से पूछ लीजिए कि को गो वैकेंसी अपना निकाले हैं, लेकिन तेजस्वी जी जो है 21 महीना में देखे हैं कि कितना नौकरी दिए हैं, इसी के 17 महीना में कितना नौकरी दिए। उसके डर से नीतीश कुमार को लगा कि मेरा भी ये पोज ले लेगा, इसलिए इससे हट कर। रोहिणी सर के बारे में बताइए ना, रोहिणी सर पर चर्चा। तो बहुत बढ़िया नेता है, आएंगी, वो पापा को जब किडनी दिया तो हम लोग के लिए क्यों नहीं करेगी, इसलिए वो नेता एक नंबर रहेगा। हम लोग अब जी जान से उनका रोहिणी सर के लिए। चलिए चलिए, आप कुछ बोल रहे थे बताइए, रोहिणी सर पे क्या क्या सोचते हैं? रोहिणी सर को लेकर, रोहिणी आचार्य यहाँ से, रोहिणी दीदी आपकी जीतेगी, डॉक्टर है रोहिणी दीदी, से आदमी मिले हैं उनसे? मिले नहीं है, बाकी बहुत जानते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया पे देखिए एक्टिव रहती है दीदी, और वो एक्टिव इतना रहती है, यहाँ का जो सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जी है, 10 साल में हम लोग तो यहाँ देखे भी नहीं, और कुछ जनता के बीच में वो आते ही नहीं है, जनता के बीच में वो आते ही नहीं है। यहाँ का जितना विधायक घरे घरे घूमते हैं, हम उनको विधायक जी को तो हमेशा देखते हैं, बाकी कभी रूड़ी आरजेडी के विधायक है यहाँ? जी जी जी, आरजेडी का है विधायक छोटे लाल राय जी। जी 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 जी, तो रोहिणी सर को वोट करना है? हम नहीं कर रहे हैं सर, पूरे दलित महादलित अति पिछड़ा ईबीसी सब गरीब उन्हीं के साथ जा रहे हैं। रोहिणी सर जी, माहौल बन रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, माहौल बन रहा है जी। अब क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम निरंजन महतो है, हम मत्स्य विभाग का अध्यक्ष रह चुके हैं 5 साल के लिए। अच्छा, पिछला बार यहाँ अति पिछड़ा वोट बीजेपी को चला गया था? देखिये सर, पिछला बार का जो चुनाव था उस समय कैंडिडेट यहाँ से चंदीरकर आए थे और थे, तो पिछला बार का राजनीतिक अलग था, इस बार का पूरे जनता मन बना कि 10 साल में रूड़ी जी हम कुछ किए नहीं, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी अगर प्रत्याशी बदल दे रही है तब? कुछ भी बदल दे, वो कुछ भी कर ले, यहाँ से खुद मोदी जी आके लड़े फिर भी चुनाव नहीं जीते। मोदी को भी रोहिणी सर हरा देंगे? जी बिल्कुल, रोहिणी दीदी के सामने कोई टक्कर देने वाले नरेंद्र मोदी भी नहीं? जी, वो क्या किए हैं देश में सर, एक चीज बताइए। राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दिए, पेट भर जाएगा राम मंदिर से सर, राम मंदिर से पेट भर जाएगा, तो बताइए सब लोग हम लोग जाकर वहीं रहेंगे। अयोध्या तो ट्रेन जाइए रहा है, आस्था एक्सप्रेस खोलवा दिए फ्री में, जाइए बेवकूफ बनाइएगा किसी को, कितना दिन बेवकूफ बनाइएगा। राम मंदिर वो कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज फ्री दे दिए, अनाज सर 2 रुपए किलो मिलता है, 10 रुपए हमको महीना का मिलता है, अनाज तो जो लागू किया था कांग्रेस किया था, ये तो किए नहीं है, कोई इनका एक काम तो है नहीं सर, नौजवान ऐसे ही घूम रहा है, कोई देश में एक काम नहीं है, सब प्राइवेट। रोहिणी आचार्य यहाँ की स्थिति बदलेंगी सर? कह तो दिए उनके साथ, रोहिणी दीदी के साथ, और तेजस्वी जी एक नाम है जो 17 महीना में जो करके दिखाए हैं, पूरे देश के अंदर में कोई नेता नहीं किया, जो तेजस्वी जी 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का जो काम किए हैं, सब नौजवान उनके साथ है, और रोहिणी दीदी यहाँ से 5 लाख वोट से जीतेगी, 5 लाख वोट से जीतेंगे, नरेंद्र मोदी को भी हरा देंगे। कह तो दिए यहाँ मोदी जी भी लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं। चलिए चलिए, देखिए ये आम जनता है, हमने युवा से बात किया, कई लोग हैं यहाँ पर, पिछला बार बाबा कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलना चाह रहे हैं, हमारा सोच मर्यादा किया है, बाकी लालू जी जो किया से कोई नहीं किया, लालू जी जो किया कोई नहीं किया, नहीं किया। रोहिणी को जानते हैं? रोहिणी को, रोहिणी जी तो एक दिन झांकी ने हमने कहा, रोहिणी आचार्य को नाम सुने हैं? रोहिणी आचार्य का कौन है? कुछ नहीं है, हम लालू जी का बेटी के वोट देंगे। चलिए देखिए देखिए देखिए, शरीर कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, लेकिन लालू जी की बेटी को वोट करना है, नाम बता दीजिए पहले। चंदेश्वर ठाकुर। चंदेश्वर ठाकुर, नहीं जाती? हाँ। लालू जी को तो जानते ही होंगे। हाँ। रोहिणी आचार्य का नाम सुने? हाँ। कौन है रोहिणी आचार्य? लालू जी का लड़की है। लड़की है, मतलब जानते हैं रोहिणी आचार्य? हाँ। चुनाव लड़ने का उनका चर्चा है इस क्षेत्र से? अच्छा तो है, वोट कर रहा है ना इस समय? वोट करेगा उनको? अरुणी जी को नहीं, करेंगे। बीजेपी जो है झूठा पार्टी एकदम, हम लोग के साथ बहुत गद्दारी किया। क्या क्या गद्दारी? प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज नहीं दे रहा है? अनाज का बात नहीं, हम लोग कारखाना में काम करने वाला आदमी, हम लोग का पेंशन ऐसा बना है कि 1000 रुपए से कम, ये बाजार में 1000 रुपए से कम का होता है? इसका लाभ परिवार में कितना लोग है? हमारे परिवार में 6 आदमी। तो 30 किलो अनाज तो आपको मिल ही रहा है? 30 किलो अनाज तो मिल ही रहा है? राम मंदिर बनिए गया आपका, राम मंदिर से क्या होगा? राम मंदिर जाकर पेट भर देगा, तो पेट भरने के लिए अनाज दे रहे हैं ना? अनाज से पेट भर जाएगा, अनाज के अलावा और कुछ है? अनाज में कब पैसा खाने में लगता है? बाजार का रेट देखिए, दाल देखिए। नाम बताइए जी। मेरा नाम इरशाद अहमद। इरशाद अहमद जी,
रोहिणी आचार्य को तो जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल का, कि आप जनता की आवाज को उठा रहे हैं और हम सारे लोगों की बात को आप कम से कम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में बताइए ना, कौन है रोहिणी? लालू यादव की बेटी है, किडनी डोनर है, जो कि एक मैंने बहुत ही महान काम किए हैं। वैसा जिगर का आदमी मैंने उस देश को, उस बेटी पर गर्व है। मैंने हमको और आपको नहीं, मिसाल पेश की, देश को गर्व है। वैसे मैंने बच्ची के लिए जो अपने किडनी को दान कर दी लालू यादव के लिए, देश को गर्व है, चाहे वो जिस पार्टी के लोग हों। लेकिन महिला के लिए भी मैंने बहुत बड़ा किए है, और इस बार हम लोग महिला जो है उनके साथ मैंने, चूंकि उनका सिंपैथी रहेगा महिला का, रोहिणी आचार्य जी बहुत अच्छे मार्जिन। कितने वोट से जिताइएगा आपने? लगभग 5 लाख। 5 लाख वोट से रोहिणी आचार्य को जिता रहा हूं। ठीक है, चूंकि लेडीज का, महिला का संपत्ति उनके साथ है, महिला का। मोदी जी आएंगे प्रचार करने आपके क्षेत्र में, हाथ हिलाएंगे सारा वोट लेके चल जाएंगे? नहीं नहीं, मोदी जी का तो काम है, वो अपना प्रचार करेंगे, लेकिन उनके प्रचार का सारण लोकसभा क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अपना प्रचार करें, उनका काम है प्रचार करना, लेकिन उनका कोई असर सारण के जनता पर, महिला पर, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, जादव, किसी पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए, तो ये सारण की जनता है। रोहिणी आचार्य के बारे में तो भाई बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि खुद नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे रोहिणी आचार्य से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। सारण का आम पब्लिक क्या कहता है, आम मतदाता क्या कहता है, इस पर जो राय होगी वो आप द बिहार टॉप पर देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।